हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेरो 777 बाय नेहा एम. आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. नाउ व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? नाउ आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी ही शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है. जब आप किसी चीज़ के बारे में दिन रात सुबह शाम सोचते हैं और उसे चाहते हैं तो दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जब आप सुबह शाम एक चीज़ को पाना चाहते हैं और उसके बारे में सोचकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. राइट? सपने सिर्फ रात को नहीं देखे जाते, सपने दिन में भी देखे जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डे ड्रीमिंग. राइट? तो डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है? डे ड्रीमिंग का मतलब है कि हम किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं, उसे ड्रीम करते हैं. राइट? उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं और उनको सोच के खुश होते हैं. नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज़ पे लागू हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको घर चाहिए या स्पेसिफिक जॉब चाहिए या कोई स्पेसिफिक आपको पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब चीज़ों पे लागू होता है. राइट? सो क्या ये काम करता है? यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है. नाउ लेट्स सी ये कैसे काम करता है. नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक बेसिकली आपने कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है ऑनलाइन फ्रॉम एनी साइट. राइट? तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है? सबसे पहले ये करना होता है आपको कि आपको ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या. फोकस. राइट? आपको चाहिए क्या, आपने मंगवाना क्या उस साइट से, क्या चाहिए आपको जो आप ऑर्डर करना चाहते हो. राइट? फिर आप उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं साइट पे जाके. राइट? अब आप उस चीज़ को आपको पता है कि आपको ये चाहिए, स्पेसिफिकली यही चाहिए. राइट? आप उस चीज़ को सिलेक्ट करते हो उस साइट पे जाके. देन कम्स व्हाट कम्स? देन कम्स मोड ऑफ पेमेंट. अच्छा, उसे सिलेक्ट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. मोड ऑफ पेमेंट आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, दैट्स इट, आपका काम हो गया. आपने सिलेक्ट करा, आपने मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट किया और आपका काम हो गया. राइट? अब आप क्या करते हो? अब आपको एक मैसेज आ जाता है कि यस, आपका काम अब शुरू हो चुका है, अब आप आराम से बैठ जाओ. ठीक है? आपने जो ऑर्डर किया उसकी डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगी. अब आप क्या करते हो? आप ये नहीं करते हो कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर कर दी और आप बाहर जाके खड़े हो गए उसकी वेट करने के लिए. आप वेट नहीं करते हो. आपको पता है कि आपने ऑर्डर कर दिया है और वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी. राइट? आपको पता है, यू नो दैट. तो ऐसा नहीं करते हो कि आपने ऑर्डर किया और आप बाहर जाके खड़े हो जाते हो सड़क पे कि कब आएगी कब आएगी. नो, आप अपना काम कर रहे हो. चीज़ को जब आना है आपके पास आ जाएगी. आप यू नो दैट कि आपने ऑर्डर कर दिया है, आपने पेमेंट मोड सेलेक्ट कर दिया और वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी. ठीक है? आपको मैसेज मिल जाएगा, आप अपने काम में बिजी होते हो. सेम वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. आपने कोई चीज़ ऑर्डर की साइट पे. राइट? आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की. आपका फोकस क्या है? आपको क्या चाहिए? आपका फोकस क्या है? आप लाइफ में चाहते क्या हो? घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, वॉट एवर. आप स्पेसिफिक पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो, कुछ भी चाहते हो. ठीक है? आपका फोकस, मेन चीज़ है फोकस, कि आप लाइफ में चाहते क्या हो. सो मेन आता है फोकस. आपने अपनी सोच बनाई कि मुझे लाइफ में आप ये चाहिए. राइट? आपने वो चीज़ सोच ली, आपने वो ये चीज़ यूनिवर्स तक पहुंचा दी कि मुझे ये मेरी लाइफ में चाहिए. राइट? अब वो यूनिवर्स का काम है, वो उसे देखने दो कि वो कैसे करना है, वो क्या करना है. आपने अपना काम कर दिया, अब आप बैठ के वेट नहीं करने लग जाओगे कि वो कब आएगी. यूनिवर्स आपके हिसाब से नहीं चलता है, आप टाइम डिसाइड नहीं करते हो.
वो यूनिवर्स अपने आप डिसाइड करता है कि आपको वो चीज़ कब देनी है। हाँ जी आएगी, ज़रूर आएगी, वो डेफिनेटली वो आएगी, बट उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर कर दी और फिर आप बाहर खड़े होकर वेट नहीं करने लग जाते, सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही काम करता है कि अगर आपने कोई चीज़ मन में सोची हुई या आपने वो थॉट डाल दिया, अब थॉट डाल दिया, अब वो जो एक ग्रैटिट्यूड पे करना है आपने, ग्रैटिट्यूड इज़ लाइक जैसे आपने वो मैंने आपको बताया कि आपने वो मोड ऑफ पेमेंट दे दिया, आपने ग्रैटिट्यूड। नाउ यूनिवर्स बहुत वास्ट है, उसके उसमें सब कुछ है, आप कुछ भी अपनी लाइफ में पा सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, राइट? तो आपने उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है कि आई एम वेरी थैंकफुल, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। आपने पॉजिटिव रहना है, आपने बहुत खुशी खुशी, आपने आपने ये सोचना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोच के बड़े खुश होते हो ना, जैसे एक बच्चा होता है, उसको पता है कि जब वो अपनी मम्मी से कुछ मांगेगा और उसकी मम्मी उसको दे देगी, वो ये नहीं सोचता कि देगी कि नहीं देगी। अगर उसको उस टाइम पे कुछ खाना है या वो भूखा है तो वो बस वो अपनी मम्मी से मांगता है और उसकी मम्मी उसको दे देती है, वो इतना नहीं सोचता कि वो देंगी कि नहीं देंगी, उसको पता है कि वो दे देंगी। ऐसे ही ये काम करता है, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि अगर आपने आपने यूनिवर्स तक कोई चीज़ कोई बात पहुंचा दी, बस रिलैक्स, सिट बैक, आपकी वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। बट यहाँ एक और चीज़ आती है और वो है ये, फॉर जैसे हमने ये देखा कि हमने कोई चीज़ ऑर्डर की, हमने पेमेंट मोड सेलेक्ट किया, राइट? हमने उस चीज़ को ऑर्डर कर दिया, उसके बाद हम वो चीज़, अब वो चीज़ पहुँचेगी कैसे आप तक? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑर्डर करके एड्रेस दे के आप घर पे अवेलेबल नहीं हो, आप वहाँ नहीं हो, तो वो चीज़ आना चाहेगी भी तो वो वापस हो जाएगी। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि आपने कोई चीज़ यूनिवर्स में, आपने अपनी अपना एक अपनी विश डाल दी, आपने एक चीज़ में अपना थॉट डाल दिया, ठीक है, आप यू आर वेरी थैंकफुल, आप बहुत थैंकफुल फील कर रहे हो, बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हो कि थैंक यू सो मच, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और उसको फील कर रहे हो, बड़े हैप्पी फील कर रहे हो। लेकिन कई लोग वेट करना शुरू कर देते हैं उसमें, और फिर वेट करते करते फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। डेफिनेटली आपने थॉट डाला है और वो ज़रूर आप तक पहुँचेगा, लेकिन उस टाइम पे अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, आपको पता है कि वो आ जाएगी, और जब वो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि येस योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे, और आज हमारा ये सेल्स पर्सन ये चीज़ आप तक पहुंचा देगा, राइट? तो आप हैप्पी फील करते हो, एक दिन सडन मैसेज आता है कि योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे। ये नहीं कि आप बाहर जाके खड़े रहते हो, जितने दिन तक वो चीज़ आएगी नहीं आप बाहर सड़क पे ही खड़े रहोगे, नो, यू नो दैट कि आपने पे किया हुआ है, वो चीज़ आएगी आएगी, राइट? आप आराम से घर बैठे होते हो कि यस मुझे पता है कि वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, आप हैप्पी फील करते हो, आप वेट नहीं करते, आप अपने घर के काम करते रहते हो। सिमिलरली वेट नहीं करना है, आप हैप्पी फील कीजिए, आप अपने काम कीजिए, आप अपने आपको बिजी रखिए, राइट? आपने वेट नहीं करना है, आप अपना थॉट डाल दीजिए कि यस ये हो चुका, इट्स डन। वहाँ रहना भी है पर वेट भी नहीं करना, आपने चीज़ को रिसीव करना है लेकिन आपने उसका वेट नहीं करना, आपने ओपन रहना है रिसीव करने के लिए, मतलब आपने ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपने वहाँ मौजूद रहना है, राइट? लेकिन आपने आप यू आर नॉट वेटिंग फॉर दैट थिंग, यू आर नॉट वेटिंग कि कब आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली सेम इसी वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप जो चाहते हो आपको वो मिलता है, बट बी रेडी टू रिसीव इट, डोंट जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर कि कब आएगी, फिर तो वो ये सब वेटिंग गेम चलता ही रहेगा, राइट?
सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए, मेरा मानना ये है कि ये ऐसे ही काम करता है, डेफिनेटली काम करता है. हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं सोशल लाइक मीडिया पे, सब जगह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे है. बट बहुत मेरा ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था कि ऐसे काम करता है. यस राइट. सो थैंक यू सो मच गाइस. मेरी इस वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.